हे गाइस, शिवांग हेयर। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज को जिसमें जो यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं काफ़ी कम फीस पे अवेलेबल है। मतलब जितने भी यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं उनका फीस स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कम है, और एक वर्थ कॉलेज कह सकते हो आप इसको। लाइक कम फीस में आपको अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे प्लेसमेंट बोल सकते हैं। लाइक प्राइवेट में अगर आप देखते हो तो अच्छे प्लेसमेंट हैं इस कॉलेज के। तो ओवरऑल देखेंगे तो एक वर्थ कॉलेज है, फीस भी आपको कम ले रहा है और प्लेसमेंट्स भी अदर कॉलेजेस जैसे ही दे रहा है। जो नॉर्थ में जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उन जैसे ही वो प्लेसमेंट दे रहा है, वो है आपका देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में, और पूरा डिटेल देखेंगे कि कैसे हॉस्टल्स हैं, कैसी फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे, कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल करा रहा है आपको कॉलेज, क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है कॉलेज और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। तो प्रॉपर पूरा डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो में आपको देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का पूरा डिटेल डिस्कशन तो मिलेगा ही, इसके साथ काफी बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। लाइक यहां पे हम एप्लीकेशन पे आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहे हैं इस वीडियो में। लाइक अगर आप फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स हैं तो उस पर हम आपको 600 रुपीज़ का डिस्काउंट सीधा सीधा एप्लीकेशन पे दे रहे हैं। लाइक आपका जो देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है 1200 रुपीज़ का एप्लीकेशन आपका है, बट अगर आप यहाँ से फिल कराते हो, लाइक आप व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा है उस पर व्हाट्सएप करके फिल करवा सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो तो कॉन्टैक्ट कर लेगी हमारी टीम। तो आपको सीधा सीधा फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स को यहाँ पे 600 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 30 स्टूडेंट्स होंगे उनको 400 रुपीज़ का एप्लीकेशन पे डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स के कॉल्स आएंगे या फिर व्हाट्सएप वगैरह आएगा उस पर सीधा सीधा 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइक डिस्काउंट सबको ही मिलना है, बस 30 स्टूडेंट जो फर्स्ट होंगे उनको 600 रुपीज़ का, नेक्स्ट 30 को 400 रुपीज़ का, और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स अपना एप्लीकेशन फिल करवाएंगे उनको एप्लीकेशन पे 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफ़ी बेनिफिट है आपका इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स एप्लीकेशन पे भी डिस्काउंट और उसके अलावा कॉलेज रिव्यूज़ वगैरह इस चैनल पे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको एप्लीकेशन पे काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो वहां से आपको काफ़ी डिस्काउंट और बेनिफिट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो, और उसके आगे जब आप पेमेंट वगैरह करने जाएं तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से हम आपको पेमेंट पे डिस्काउंट प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए अब रिव्यू हम शुरू करते हैं। देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट देहरादून एस्टेब्लिश हुआ 2005 में, 15 ईयर्स इसको हो चुके हैं एस्टेब्लिश हुए। एफिलेटेड है आपका उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से और AICTE अप्रूव्ड है। इसका जो कैंपस एरिया है 42 एकर्स में है, और ये सारे ही UG एंड PG कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करता है। अभी हम इसका एक बार कैंपस टूर पूरा डिटेल में देख लेते हैं, तो उससे आपको पूरा कॉलेज का कैंपस का एक आइडिया लग जाएगा कैसा कैंपस है। तो चलिए कैंपस टूर देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का पूरा कैंपस टूर देख लिया तो उससे आपको प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि कैसा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है और कैसी लैब वगैरह है, तो प्रॉपर आपको एक आइडिया, ब्रीफ आइडिया लग चुका होगा। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं कि बीटेक के अंडर ये कौन कौन सी ब्रांचेज ऑफर करता है। तो बीटेक में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारी ब्रांचेज ये ऑफर करता है। बीटेक के अलावा भी ये बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है हर फील्ड में, मैनेजमेंट कोर्सेज भी ऑफर करता है, मेडिकल कोर्सेज भी ऑफर करता है, और ये आयुर्वेद से रिलेटेड भी कई सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर कर रहा है कॉलेज। तो
तो आपको जैसे लाइक बीएससी हो गया, बीएससी में आपके बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी पीसीएम, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी आईटी, तो ये सारे आपको बीएससी में आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। उसके अलावा आपके मेडिकल में बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, तो मेडिकल में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। मैनेजमेंट में आपका एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, तो ये बीकॉम हो गया, तो ये सारे कोर्सेज आपको मैनेजमेंट में यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो आपका मेन है यहाँ पे आयुर्वेदा से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइक आपका डिप्लोमा इन आयुर्वेदा, ये नर्सिंग आयुर्वेदा, तो ये सारे कोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट आपको स्क्रीन पे एक पूरा आपको सारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी कि देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आपको सारे कोर्सेज का आइडिया लग जाएगा। अभी हमने यहाँ पे तो कोर्सेज तो देख लिए कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, अब हम यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ जो मैंने फीस स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा वो आपका बीटेक का होगा, बट ऐसा नहीं है कि मैं सारे कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर नहीं बताऊँगा, स्क्रीन पे आपको सारे कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर प्रॉपर शो हो जाएगा, तो वहाँ से आप प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, और स्कॉलरशिप्स भी मैंने आगे वीडियो में डिस्कस की है। पहले देख लेते हैं कि कॉमन फीस, यानी जो सारे कोर्सेज में ही जाती है, तो जो आपकी कॉमन फीस है वो प्रॉपर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कॉमन फीसेज जाती हैं सारे ही कोर्सेज में। तो जो फर्स्ट आपका फीस है वो आपका एप्लीकेशन का फीस है, जो कि आपका 1200 रुपीज़ है, बट अगर आप हमारे लिए हमारे थ्रू व्हाट्सएप करा के फिल कराते हो तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। व्हाट्सएप या गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उनको भेज सकते हो फिल करके, वहाँ से हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो ये दो मेथड हैं। तो 1200 रुपीज़ का एप्लीकेशन आपको डिस्काउंट पे फिल हो जाता है, डिस्काउंट मैंने वीडियो में शुरू में बता दिया था कैसे कैसे डिस्काउंट स्टूडेंट्स को मिलेगा। जो सेकंड फीस होती है वो आपकी एडमिशन फीस होती है, जो कि आपकी 5000 रुपीज़ होती है। ये जो 5000 रुपीज़ आप एज अ एडमिशन फीस जमा करते हो तो ये एडजस्टेबल होती है, लाइक जब आप बाद में फीस जमा करोगे अपने पूरे कोर्स की, उसमें ये 5000 रुपीज़ डिडक्ट होकर आपको फीस जमा करनी होती है, तो ये आपकी फीस एडजस्ट हो जाती है जब आप पूरे कोर्स की फीस जमा करते हो। जो थर्ड फीस है वो आपकी यूनिफॉर्म की फीस है, सब बच्चों के लिए कॉमन है, 9900 रुपीज़ आपकी यूनिफॉर्म में आपको यहाँ पे पे करने पड़ते हैं सभी बच्चों को। अकेडमिक्स यहाँ पे जो आपको मतलब सिक्योरिटी फीस पे करनी पड़ती है वो आपकी 3000 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ती है, जो कि रिफंडेबल होती है, आपको बाद में कॉलेज से ये रिफंड मिल जाती है। उसके अलावा एग्ज़ाम फीस होती है, वो आपको एज अ यूनिवर्सिटी जैसा डिसाइड करती है, जितनी एग्ज़ाम फीस यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, क्योंकि लाइक ये उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है कॉलेज, तो जितना भी अमाउंट यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है वो आपको उस कोर्स के लिए पे करना पड़ता है। तो ये तो आपकी सारा कॉमन फी स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम जो फी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो बीटेक का हम डिस्कस कर लेंगे, और अदर कोर्सेज का जो फी स्ट्रक्चर है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अभी हम देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं बीटेक के लिए। तो बीटेक की जो यहाँ पे फीस है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए वो आपकी 1,10,000 रुपीज़ है, मतलब 1,10,000 वैसे ही काफ़ी कम है अगर आप इंजीनियरिंग के लिए देखते हो। उसके बाद 25% स्कॉलरशिप भी यहाँ पे सब स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो आपकी फ़ीस बनती है वो आपकी 94,000 के अराउंड 94,000 अप्रॉक्स यहाँ पे बनती है आपकी फ़ीस बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। ऐसे ही बीटेक में अदर ब्रांचेस हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इन ब्रांचेस की जो यहाँ पे फीस है वो आपकी 1,04,000 समथिंग है, बट यहाँ पे जब आपको 25% की स्कॉलरशिप मिल जाती है जो कि सारे ही स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो आपकी जो फ़ीस बनती है वो 88,000 पर ईयर की बनती है। काफ़ी ज़्यादा सस्ता इंस्टीट्यूट है और प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छे हैं, मतलब अदर कॉलेजेस से आप कंपेयर करते हो नॉर्थ इंडिया में तो कई कॉलेजेस हैं फीस भी आपका ज़्यादा ले रहे हैं और प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उन सबसे बेटर है कि फीस तो एटलीस्ट कम ले रहा है, प्लेसमेंट तो आप ऑल कॉलेजेस में प्राइवेट में देखेंगे नॉर्थ इंडिया में तो लगभग अप्रॉक्स में सेम है। कुछ अच्छे कॉलेजेस को प्राइवेट में छोड़ दें, लाइक थापर हो गया, LMNIT हो गया, तो इन कॉलेजेस की तो एक्सेप्शन है, बट प्राइवेट में जो नॉर्मल एवरेज कॉलेजेस हैं उन सभी में आप देखेंगे फीस भी ज़्यादा है, प्लेसमेंट भी आपके एवरेज ही हैं सारे ही कॉलेजेस के। तो उसके रिगार्डिंग देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो है आपकी फीस तो कम ले ही रहा है और प्लेसमेंट भी आपको अच्छे ही प्रोवाइड करा रहा है, तो एक काफ़ी वर्थ कॉलेज है। बीटेक की फीस मैंने डिस्कस कर ली, अदर कोर्सेज की जो यहाँ पे फीस है वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी, जितने भी आपके कोर्सेज हैं बीएससी के से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड या आपके आयुर्वेदा से रिलेटेड, सारे कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो वहाँ से आप प्रॉपर सारे कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं रहती, स्कॉलरशिप मैंने वैसे आगे सारी डिस्कस की हैं प्रॉपर कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, बट कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिस पे कोई भी स्कॉलरशिप आपको यहाँ नहीं मिलते, लाइक जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में, उसमें आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती, मतलब जो फीस है लाइक 1,10,000 रुपीज़ फीस है, 1,10,000 पर ईयर ही आपकी फीस रहेगी और कोई भी स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, ना डोमिसाइल स्कॉलरशिप मिलेगी, ना मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगी,
तो कोई स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी बीएससी नर्सिंग के लिए। देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का हमने फीस स्ट्रक्चर प्रॉपर देख लिया, तो अभी हम यहाँ पे हॉस्टल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉमन फीस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन फीस है, सिक्योरिटी अमाउंट आपका 3000 रुपीज़, जो कि आपके सभी बच्चों के लिए सिक्योरिटी अमाउंट 3000 रुपीज़ है। जो सेकंड ऑप्शन, सेकंड आपकी कॉमन फीस है, वो आपकी 5000 रुपीज़, जो कि आपकी हॉस्टल बुकिंग फीस होती है, जो कि आपको एडजस्टेबल होती है। लाइक आप जब बाद में फीस जमा करते हो तो उसमें ये 5000 रुपीज़ आपके ऐड कर दिए जाते हैं, और 5000 रुपीज़ आपको वहाँ पे कम फीस जमा करनी होती है। तो अब यहाँ पे हॉस्टल्स के देख लेते हैं किस किस कैटेगरी में यहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो आपकी 2-सीटर हॉस्टल है विद एसी रूम्स, यानी उनकी जो फीस है यहाँ पे 1,10,000 रुपीज़ है। जो सेकेंड कैटेगरी है वो आपकी 2-सीटर नॉन एसी रूम्स, जो उनकी फीस है वो आपकी 90,000 रुपीज़ पर ईयर की यहाँ पे फीस है। थर्ड में आपको 3-सीटर नॉन एसी रूम है, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, वो आपका 80,000 रुपीज़ यहाँ पे, 80,000 रुपीज़ पर ईयर की यहाँ पे फीस है। जो फोर्थ कैटेगरी है वो आपका 3-सीटर रूम है नॉन एसी बॉयज़ के लिए, जो कि आपका 75,000 रुपीज़ पर ईयर की फीस है। तो जो 3-सीटर आपका गर्ल्स के लिए नॉन एसी में अवेलेबल है वो आपका 80,000 का है, और 3-सीटर जो आपका नॉन एसी बॉयज़ में अवेलेबल है वो आपका 75,000 रुपीज़ का यहाँ पे चार्ज जाता है हॉस्टल्स का। स्कॉलरशिप्स देख लेते हैं। हमने सारा डिस्कशन कर लिया, फीस स्ट्रक्चर्स देख लिया, हॉस्टल्स देख लिया, कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं वो सब देख लिया। तो अभी हम यहाँ पे स्कॉलरशिप्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 12th का मेरिट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन का मेरिट के अकॉर्डिंग ये स्कॉलरशिप्स हैं। तो अगर आपका स्कोर 45% से 50% के बीच में आपका स्कोर है तो आपको 10% का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल जाता है। 50% से लेकर 75% के बीच में अगर आपका स्कोर है तो 25% स्कॉलरशिप आपको फीस में मिलता है। 75 से 80 के परसेंटेज के बीच में आपकी परसेंटेज है तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिल जाता है। ये जो 50% है, लाइक 25% आपको पहले ही मिल चुका था, मतलब सभी बच्चों के लिए वो कॉमन था, तो आपको 25% और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब आपका टोटल 50% हो जाएगा। ऐसे ही आपका 85% से 90% के बीच में है तो आपको 75% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लाइक 25% तो कॉमन है, वो तो आपको मिल ही गया सब बच्चों के साथ, बाकी का जो रिमेनिंग है वो आपके में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे स्कॉलरशिप है 90% या 90% से लेके 100% के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको यहाँ पे 100% तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो यहाँ पे फीस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके अलावा स्कॉलरशिप्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, तो आपकी फ़ीस जो है, अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छा स्कोर करते हो तो आपकी फ़ीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, और काफ़ी आपको वर्थ कॉलेज पड़ता है। जो आपकी सेकंड टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आप यूके डोमिसाइल से हो, यानी उत्तराखंड से अगर आप बिलोंग करते हो, तो आपकी 25% की यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। गर्ल्स कैटेगरी से अगर स्टूडेंट कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए 10% स्कॉलरशिप, अगर डिफेंस कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए 5% स्कॉलरशिप, और अगर कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 10% स्कॉलरशिप देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग डिस्कशन था। अभी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, अब लास्ट बचता है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स जो देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के हैं, एवरेज प्लेसमेंट्स हैं। लाइक अगर आप अदर कॉलेजेस देखेंगे उत्तराखंड में या फिर नॉर्थ इंडिया में, मैं तो बोलूँगा नॉर्थ इंडिया में, अगर आप देखेंगे एवरेज प्लेसमेंट्स कॉलेजेस का मोस्टली, मतलब अगर आप एक्सेप्शन छोड़ दें लाइक LMNIT हो गया या फिर थापर वगैरह हो गया, तो ये तो आपके काफ़ी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, इनसे कंपेरिजन नहीं किया जा सकता। बट ओवरऑल जो रिमेनिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपके बचते हैं उससे अगर आप कंपेयर करते हो तो प्लेसमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, और कंपनीज भी आपकी काफ़ी अच्छी विजिट कर रही हैं, कॉलेज की फीस भी आपकी काफ़ी कम है। तो ओवरऑल यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं। एवरेज पैकेज जो कॉलेज का है वो आपका 4.5 लाख रुपीज़ एवरेज पैकेज है। प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ भी आपको बहुत अच्छी मिल रही हैं, हॉस्टल्स भी अच्छे हैं, हॉस्टल्स अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं। लाइक एसी रूम्स में आपको 2-सीटर हॉस्टल 1,10,000 में मिल रहा है, मतलब काफ़ी सस्ता हॉस्टल्स भी हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे अदर कॉलेजेस से, सारी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, तो आप इसके लिए एक बार देख सकते हो आप ओवरऑल। तो ये था देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का रिव्यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे बहुत सारे ऐसे आपको लाइक एप्लीकेशंस पे डिस्काउंट, उसके अलावा आपको कॉलेज रिव्यूज़, तो बहुत सारी आपको इस चैनल पे चीज़ें मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।